इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में ऑपरेशन थिएटर के नर्सिंग ऑफिसर सुनील मेवाड़ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डॉक्टर प्रवीण मिश्रा और डॉक्टर हेमंत पर मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं। मारपीट के विरोध में ओटी स्टाफ और नर्स एसोसिएशन ने काम बंद कर दिया है। आईबीसी 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने मौके का जायजा लिया। इंदौर के एमवाई अस्पताल में एक बार फिर से हंगामे की स्थिति बन चुकी है। एमवाई अस्पताल जहां का तालवा निमाड़ के कई मरीज इलाज कराने पहुंचे थे, वहां का ओटी आज पूरी तरह से बंद है। और उसका कारण यही है कि जो ओटी में डॉक्टर्स मौजूद थे, तो उन्होंने नर्सिंग एसोसिएशन के ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, और यही कारण है कि आज यहाँ पर सभी नर्सिंग एसोसिएशन के साथ ओटी स्टाफ जो है वो काम बंद हड़ताल यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दी है। क्या कुछ पूरा मामला है इनसे जानेंगे। क्या आप हैं जिनके साथ यहाँ पर मारपीट हुई है, किस तरह की स्थिति बनी थी, हुआ क्या था जिसके बाद ऐसी स्थिति? ओटी से बाहर चला गया था, ओटी खत्म होने के बाद वो कुछ बायोप्सी का कुछ इशू था, तो बायोप्सी सिस्टर ने वहीं रख दी थी। मैं 2 नंबर ओटी में था, सिस्टर 7 नंबर ओटी में थी, तो मैं ओटी पैक करके हम चले गए थे। जैसे आया तो ये गाली गलौज से सिस्टर को गाली देने लगे, मेरे को गाली देने लगे, और डायरेक्ट आके बोले मैं गाली नहीं, अब मैं मारूंगा भी। तो मेरे को आके 2-3 थप्पड़ और यहाँ पे मेरे को इधर मारा भी है, यहाँ पे निशान है, ये इधर निशान है, दोनों ये इधर और इधर ऊपर जा रहा है, पूरा गाले गलौज मेरे, कालर भी, और मेरे को धमकी भी दी, मारने की भी धमकी दी। इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? तो जब तक उनको सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक। तो यहाँ पर सस्पेंड करने की मांग की जा रही है, आप फीमेल स्टाफ है, ऐसे में क्या आप लोगों को भी लगता है कि कई बार डॉक्टर्स जो है वो आप लोगों पर हावी हो जाते हैं? बिल्कुल सही में हावी होते हैं। और पहली चीज़ मैं बता दूं कि ये डॉक्टर्स यहाँ के एम्प्लॉयज़ नहीं है, ये स्टूडेंट हैं, और हम जो है हम यहाँ पर स्टाफ हैं, और इस तरीके का ये अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मारा पीटी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप एक एजुकेटेड पर्सन है, जब आप हमारे साथ अपने कलीग के साथ, और आप क्योंकि हम स्टाफ हैं हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, तो पेशेंट के साथ भी ऐसा ही करते होंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरह का आक्रोश यहाँ के नर्सिंग ऑफिसर्स में व्याप्त है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी थी जिसके बाद मारपीट यहाँ पर शुरू हो गई थी, वो हमने आईबीसी के माध्यम से आपको बताया। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, आईबीसी 24 इंदौर। जो 2 डॉक्टर्स हैं इनके बीच आपस में कहा सुनी किसी चीज को लेके हुई है, कोई ओटी से सैंपल को लेके। तो पहले मैंने सोचा था कि डिपार्टमेंट की एक कमेटी आर्थोपेडिक्स वाले आपस में सॉल्व करें, पर वो उसकी जगह बदल के हमने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना देते हैं, और 2-3 दिन में जो भी आएगा उसकी जिसकी पक्ष की भी गलती होगी, और वो या अभी दोनों को बुला के आपस में हम समझौता करा के और उसको मैटर को सॉल्व कर रहे हैं।